क्यों दोस्तों, खोज के थक गए कि कैसे रोज नंबर मिलेगा? दोस्तों इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको जेन्युइन वीडियो दोस्तों एक परफेक्ट वीडियो मिले, ताकि आप लोग कहीं और भटके ना। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के रोल नंबर के बारे में। दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि यूपी बोर्ड के रोल नंबर हम लोग कैसे पाएँ। तो दोस्तों तीन तरीके से बात की जाएगी कि आप लोग तीन तरीके से यहाँ पे रोल नंबर पा सकते हैं। उससे पहले मैं ये जी आप लोग अपने चैनल दोस्त आईक्यू में एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। जी दोस्तों, इस चैनल पे आप लोग हमेशा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट मिलते रहते हैं और अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियो मिलते रहते हैं। तो इसी प्रकार रियल जेन्युइन वीडियो पाने के लिए आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों पहले स्टेप के ऊपर। पहला स्टेप जो है दोस्तों, अगर आपके पास अपना नामांकन संख्या होगा, नामांकन संख्या का मतलब दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, तो आप लोग डायरेक्ट इस बार आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके पास रोल नंबर हो ही, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उससे आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रोल नंबर भी निकाल सकते हैं। यानी कि यह पहला तरीका है। दोस्तों बात कीजिए सेकेंड तरीके के बारे में, यानी जो दूसरा तरीका आपको देखने को मिलने वाला है, आप लोग को यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। उसके बाद आप लोग को रिजल्ट सेक्शन में जाना है। रिजल्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पे अपने जिले का नाम चूज करना है। दोस्तों आप वहाँ पे अपने जिले का नाम चूज करेंगे। जिले के नाम चूज करने के बाद आपको अपना स्कूल चूज करना है, या तो स्कूल चूज करेंगे या तो स्कूल का कोड डालेंगे। दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या तो स्कूल चूज करेंगे या तो स्कूल का कोड डालेंगे। उसके बाद आपको अपना जन्म तिथि डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो आपको वहाँ पे आपका रोल नंबर मिल जाएगा। या दूसरा तरीका दोस्तों, दूसरा तरीका काफ़ी जर्नी है पर काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और दोस्तों बात कीजिए तीसरे तरीका है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया गया है कि जो आपके रोल नंबर है आपके विद्यालय पे भेजे जा चुके जाएंगे दो चार दिन के अंदर। यानी कि दोस्तों आप अपने विद्यालय पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि अभी रोल नंबर आया है कि नहीं। दोस्तों रोल नंबर की लिस्ट भेजे जाएंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि रोल नंबर आया है कि नहीं। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप लोग वह तरीका अपना सकते हैं और रोल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।